कहते दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है और बड़ी जानकारी है कि ITBP में हेड कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पोस्टों की संख्या कितनी है हेड कांस्टेबल की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, हाइट क्या रहने वाला है, वेट क्या रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, पोस्टों की संख्या कितनी है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नोटिस पे और देखते हैं नोटिस जो जारी हुआ है उसमें क्या बताया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यही वो नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए सारी जानकारी यहां पर दी गई है, रिक्वायरमेंट द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल और देखिए मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट इंट्री DE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर LDC। अब चलिए दोस्तों यहां पर देख लीजिए सारा जानकारी इन्होंने बता दिया है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फिर चलती है दोस्तों नीचे चलते हैं, नीचे देखिए यहां पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। देखिए दोस्तों यहां पर ए नंबर में हेड कांस्टेबल और देखिए डायरेक्ट इंट्री में हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट इंट्री मेल के लिए 135 वैकेंसी है। कितनी है दोस्तों? 135 वैकेंसी। हेड कांस्टेबल डायरेक्ट फीमेल के लिए 23 वैकेंसियाँ हैं। कुल हेड कांस्टेबल की 158 वैकेंसियाँ हैं। अब देखिए नीचे हेड कांस्टेबल कंबाइंडेड मिनिस्ट्रियल और देखिए ITBP सर्विंग पर्सनल ओनली, तो इसके लिए हेड कांस्टेबल के लिए कुल 90 वैकेंसियाँ हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, जो अभी GD हैं, जनरल ड्यूटी में हैं, चाहे किसी भी पद पर हैं। यदि वो हेड कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए 90 वैकेंसियाँ है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर बता दिया गया है कि जल्द आप लोगों को रिक्वायरमेंट ITBP NIC.in पर बता दिया जाएगा। और देखिए एप्लीकेशन फी भी 100 रुपया लगेगा, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर SC ST का 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। चलिए दोस्तों अब नीचे चलते हैं, नीचे देख लीजिए एज, सबसे पहले एज देख लीजिए आप लोग। हेड कांस्टेबल डायरेक्ट के लिए 1825 ईयर्स है और सभी को छूट मिलेगा, वो एज रिलेक्शन मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को 12वीं चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों को चाहिए इंग्लिश में हिंदी में, समझ गए दोस्तों। अब चलिए हेड कांस्टेबल ITBP पर्सनल के लिए, तो उसके लिए भी उतना ही टाइपिंग है और उसका 35 ईयर्स और एज छूट मिलेगा उसके फोर्स के अनुसार, समझ गए दोस्तों। और इसमें भी 12वीं प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों ये 12वीं प्लस वैकेंसी है, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपना 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। और एप्लीकेशन जो है वह ऑनलाइन मोड है, देखिए ऑनलाइन मोड आप लोगों को ऑनलाइन ही होगा। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑनलाइन कब से होगा, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपेंड 8 जून 2022 को। यहाँ पर देखिए साफ साफ बता दिया गया है 8/6/2022 से लेकर और आप लोगों को 7 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो दोस्तों बड़ी जानकारी है, बड़ी वैकेंसी है, आप लोग समझ देख लिए कि सबसे जो ज़्यादा बच्चे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 158 पोस्टों में, क्योंकि इसमें सभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चा 12वीं पास है, इसमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, समझ गए दोस्तों। तो जैसे ही फुल नोटिस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा उसमें आप लोगों को प्रोसेस क्या है, फिजिकल कब होगा, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारी जानकारी बता दी जाएगी, समझ गए दोस्तों। तो हेड कांस्टेबल में अक्सर 165 सेंटीमीटर हाइट ही लिया जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को 165 सेंटीमीटर हाइट ही लिया जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे, तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल डायरेक्ट इंट्री मेल के लिए 158 वैकेंसी मेल और फीमेल के लिए आ गई है। तो दोस्तों आप लोग एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।